नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत जल्दी मैं आपके प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे ढंग से कराने वाली हूँ। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतनी अच्छी जो आप लोग बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, साथ दे रहे हैं, वो उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं आपके लिए व्यवस्था करने में लगी हुई हूँ। हाँ, ये है कि पहले से अब रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास के प्रति ऐसा लग रहा है जैसे लोगों की रुचि कम होती जा रही है। लोग देखते नहीं हैं, अगर देखते भी हैं तो बढ़ा के या थोड़ा सा देख के ही छोड़ देते हैं। तो औषधि कड़वी होती है, अच्छी नहीं लगती है। अभी तक शायद किसी ने इस तरह का प्रयास भी नहीं किया है। मैं पॉपुलर वीडियो नहीं लेकर आ रही हूँ, पॉपुलर टॉपिक्स नहीं ला रही हूँ जो लोग जल्दी से देख लेते हैं, छोटे छोटे वीडियो। मैं आप लोगों की भलाई के लिए लंबे लंबे वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो आप लोगों का भी हित है इसमें, है ना। तो पूरे देखिए, समझने की कोशिश करिए और मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगी। बस आप वीडियो देखिए, क्वेश्चन आंसर मैं आपके तैयार करा दूंगी, ठीक है। चलिए बहते हैं फिर से भक्ति की धारा में रामचंद्र शुक्ल जी के साथ में। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था, इसका पता लगता है। अभी आपको बताया गया जो सूफी संत थे, इससे पहले आपने पढ़ा, वो हिंदू घरानों में जो प्रचलित चली आ रही कहानियाँ थीं उसके आधार पर अपने काव्य लिखते थे। और जो शिक्षित और विद्वान लोग थे, वो काव्य, उनकी काव्य परंपरा में ज़्यादातर क्या था, वीर गाथा काल से चला आ रहा था कि ये अपने आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों का व्याख्यान करते थे। इसके अलावा ये पौराणिक कथाएं, जो भी हमारे पुराणों में कथाएं मिलती हैं उनकी, और जो इतिहास प्रसिद्ध कथाएं हैं उनके ही आख्यानों की ये आख्यान करते थे, यही प्रवृत्ति उनमें पाई जाती थी। पर साथ में कुछ कल्पित कहानियों का भी चलन था, इसका पता लगता है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संवत 1546 से 1574 के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे और चौपाई में लिखी थी, है ना। ईश्वरदास ने लिखी थी सत्यवती कथा, याद कर लीजिएगा और याद रहना भी चाहिए, जिसका प्रारंभ व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। याद रखिएगा, कभी कूट में पूछा जा सकता है सत्यवती कथा का आरंभ कैसे होता है, व्यास जन्मेजय के संवाद से, ठीक है, और पौराणिक ढंग पर जो अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है, जिसका आरंभ तो जरूर जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, लेकिन ये ज़्यादातर स्वच्छंद और कल्पित ही है। ज़्यादातर बाद में सब अपनी स्वच्छंदता से और कल्पना के आधार पर ही ईश्वरदास ने इसको लिखा है। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले, है ना, जिन्होंने ये कथा सुनाई, ठीक है। आगे कथा सुन लेते हैं, वो तो आपको अच्छी लगेगी, कहानी तो समझ आ जाती है ना। चलिए अब कहानी की बारी आ गई, बहुत ध्यान लगा के सुनिएगा। मथुरा के राजा चंद्र उदय की कोई संतति ना थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती थी। इंद्रपति नामक एक राजा, ऋतुवर्ण आदि चार पुत्र थे, है ना। इंद्रपति नामक एक राजा के ऋतुवर्ण आदि चार पुत्र थे, मतलब इंद्रपति नाम के राजा के चार पुत्र थे जिसमें से एक का नाम लिया गया है ऋतुवर्ण। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें कई राजकुमारियां स्नान कर रही थीं। वह जब उतरकर वहां गया तो सत्यवती को देखकर मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल गया।
ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकता रह गया, तब सत्यवती को क्रोध आ गया। हालांकि मन डोल गया था, लेकिन क्योंकि ऋतुवर्ण ने दृष्टता की एकटक देखता रह गया तो स्वाभाविक था, और सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कह कर एक चित्त हमें चितवे, जस जोगी चित जोग, धर्म न जानस पापी, कहस कौन तह लोग, है ना। ये कहकर उसने श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुवर्ण वैसा ही हो गया और पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छूहन बिछ रोवे सब सझारी, बाघ सिंह रोवत वन माही, रोवत पंछी बहुत ओनाही, है ना। अगर आपको कहानी पता है तो देखिए ये पंक्तियाँ आपको पहचानने में कहीं ना कहीं बड़ी आसानी होगी। ये एक सेकेंड, ये व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर वह उसे ये कहकर हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला, तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो उठा। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या के बिना भोजन नहीं करता था। कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए तब वह शिव की पूजा छोड़कर ना आई। इस पर राजा ने क्रोध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को ले जाकर उस कोढ़ी को सौंप दो। सब एक से एक क्रोधी थे। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा में चल पड़ी और उसने कहा, बीच बीच में पंक्तियां भी दी हुई हैं, जब राजा ने उसको संदेश भेजा, दूत उसके संदेश उसको बताते हैं कि आपको कोढ़ी को दे दिया है, श्राप दे दिया है, तो वो नीम की टहनी लेकर चल पड़ती और बोलती है, तो ये छाड़ अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तुव ठाऊं, मतलब मुझे तो अब मेरे माँ बाप ने तुम्हें सौंप दिया है, तो अब मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं। कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधों पर बैठाकर सत्यवती तीर्थ स्थान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सत्यवती ने कहा कि यदि मैं सच्ची सती हूं तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त कराने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने वहीं दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वर दास ने ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है, याद रखिएगा, रचना काल भी याद रहेगा और पंक्तियां भी याद रहेंगी। भादो मास पास उजियारा, तिथि नवमी और मंगलवारा, नखत अश्विनी मेघ कचंदा, पंच जनासो सदा अनंता, जोगी निपुर दिल्ली बड़थाना, साह सिकंदर बड़ सुल्ताना, कंधे बैठ सरस्वती विद्या, गणपति दीन्हा, ता दिन कथा आरंभ यह ईश्वर कवि कीन। इसको फिर से पढ़ देती हूँ। कंधे बैठ सरस्वती विद्या गणपति दीन, ता दिन कथा आरंभ यह ईश्वर दास कवि कीन। पुस्तक में 5-5 चौभाइयों यानी अर्दलियों पर एक दोहा है, मतलब 5 चौपाइयाँ, जब 5 चौपाई के बाद एक दोहा है, फिर 5 चौपाई और फिर एक दोहा है। इस प्रकार 58 दोहों पर ये समाप्त हो जाती है, है ना, 58 दोहों पर। भाषा अयोध्या के आसपास की ठेठ अवधि है, ठीक है, सत्यवती की जो भाषा है वो ठेठ अवधि है। बाटें मतलब है का प्रयोग जगह जगह पर है। यह अवधि भाषा बाटें कहाँ में आती है, अब आप पहचान जाइएगा, जहाँ पे भी बाटे शब्द दिखे वो अवधि भाषा का होता है। यह अवधि भाषा चौपाई दोहे के क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने जैन चरित काव्यों में मिलती है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। कब से मिलती है, विक्रम की 11वीं सदी से, ठीक है।
सूफियों के प्रेम ग्रंथों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है, जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत है वो बड़े हृदय गाही। अब ये रहस्यमय परोक्ष का मतलब यहाँ ईश्वरीय सत्ता जो दिखाई नहीं देती है उसकी बात की जा रही है। मतलब ये लोग खंडन मंडन में जो सूफी कवि थे वो खंडन मंडन में नहीं पढ़ते थे, तर्क वितर्क नहीं करते थे, ये सिर्फ मनुष्य को जो मन को छू लेने का ही प्रयत्न करते थे कि कुछ ऐसा लिखें जो मनुष्य के हृदय को छू जाए और हिंदू और मुसलमानों पर जिसका प्रभाव बराबर से पड़े। बीच बीच में वो कुछ रहस्यवादी जो ईश्वर की सत्ता का आभास कराते थे, एक परोक्ष सत्ता का आभास कराते थे, ऐसे संकेत मिलते हैं इनके काव्यों में जो बहुत ही हृदय ग्राही होते हैं, मन को अच्छे लगते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वे बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट हैं, है ना। कबीर का जो रहस्यवाद है वो पहले आपको बताया गया है ना, कबीर ने रहस्यवाद कहाँ और ब्रह्मवाद कहाँ से लिया, वेद और वेदांत से, ब्रह्म ज्ञान से, है ना। तो उनकी जो परिभाषाएं पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार भी वही होंगे ना, वेदांत और हठयोग। पर इन पर प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है, है ना, उसके संकेत स्वाभाविक और मर्म स्पष्ट ही है, क्योंकि इनके ऊपर दोनों का प्रभाव पड़ा था। तो बीच बीच में इन प्रेम प्रबंधकारों का जैसे उन्होंने आभास दिया है वो भी उतने ही स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध हुए जायसी, यहाँ प्रेम मार्ग की बात हो रही है सूफी कवियों की, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कौन हुए, जायसी, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। ठीक है, इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरित मानस लिखा है। ठीक है, अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए, है ना, तो तब उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्व दर्शन संग्रह में है। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। प्रेम मार्गी थे, है ना, लेकिन कहीं कहीं पर इन लोगों ने हठ योग को रसायन संबंधी दर्शन थे उनको भी अपनी कहानियों में कहीं कहीं पर जगह दिया है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। भक्ति के उत्थान काल के भीतर जब भक्ति काल का उत्थान हो रहा था तब हिंदी भाषा में कुछ जो विस्तृत रचना मिलती है वो सबसे पहले किसकी मिलती है, कबीरदास जी की। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास जी सामने आते हैं। एक काम करते हैं, ज्ञानाश्रयी क्योंकि नई शाखा है तो अगले वीडियो में लेकर आते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो बीच से छोड़ नहीं पाएंगे, तो ये बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आपका साथ रहने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।